दोस्तों, अपने टोपियों को संभाल के रखो, क्योंकि हम इवोल्यूशन की लव स्टोरी के कुछ मजेदार राज खोलने वाले हैं। क्या आपको पता है, अरबों साल पहले सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म ही थे जिन्होंने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का तरीका निकाला था। ये प्यार व्यार के चक्कर में नहीं था, ये तो जीन्स को मिलाकर अपनी सर्वाइवल गेम मजबूत करने का तरीका था। और गेम की बात हो रही है तो बनाना स्लग्स तो इसे अगले लेवल पर ले जाते हैं। ये हर्माफ्रोडाइट्स होते हैं, मतलब इनमें मेल और फीमेल दोनों पार्ट्स होते हैं। बात करें सेल्फ सफिशिएंसी की, अब चलते हैं डायनासोर की तरफ। जी हाँ, शायद टीरेक्स का भी एक सॉफ्ट साइड रहा होगा। हालांकि हमें ठीक से पता नहीं है कि वो ये काम कैसे करते थे, पर हम सोच सकते हैं कि वो एक जुरासिक साइज चैलेंज रहा होगा। क्या आपको पता है कि कुछ मछलियां अपना सेक्स चेंज कर सकती हैं? सोचिए, पार्टी में डांस पार्टनर कम हो तो मेल से फीमेल बन जाना। और ये रहा एक मसालेदार ट्विस्ट दुनिया का सबसे पुराना प्रोफेशन, वो नहीं जो आप सोच रहे हैं। मधुमक्खियां लाखों सालों से पॉलिनेशन कर रही हैं, यानी पौधों के प्यार को दूर दूर तक फैलाना। तो अगली बार जब आपको लगे कि आपकी लव लाइफ उलझी हुई है, तो याद रखिए, सेक्स का इतिहास तो जिंदगी जितना ही पुराना है और उससे कहीं ज्यादा दिलचस्प।